देश के आगे कुछ नहीं, बॉयकॉट मिर्जापुर टू। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बोल रहे हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में उन लोगों को भी जवाब देंगे और काफी कुछ चीजें क्लियर भी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सारी चीजें क्यों चल रही है। देखिए, अली फजल जो कि मिर्जापुर सीरीज में मेन लीड प्ले कर रहे हैं, उन्होंने सीए और एनआरसी के वक्त इस तरह का ट्वीट किया था। खैर, ये उनका अपना ओपिनियन था, और आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में सभी के पास एक राइट है अपना ओपिनियन सामने रखने की, लेकिन एक और राइट भी है बाकी मेजोरिटी पीपल्स के लिए। अगर उनको इस तरीके की जो चीजें होती है वो पसंद नहीं आती, तो वो लोग चाहे तो आवाज उठा सकते हैं, लेकिन उस वक्त वो लोग सब शांत इसीलिए थे क्योंकि उनके बाप लोग ने उनको कहा नहीं था। और ये वो ट्विटर पे 2 रुपए वाले लोग हैं जो समोसे और चाय के लिए सिर्फ ट्वीट करते हैं, इनकी खुद की कुछ औकात होती नहीं है। और अब ये लोग अली फजल के पीछे पड़ गए, और इन शॉर्ट कहा जाए तो ये लोग मिर्जापुर 2 सीरीज के पीछे पड़ गए। इनको ये नहीं मालूम है चूतियों किसी एक एक्टर की वजह से कोई सीरीज या मूवीज नहीं बनती है, और अली फजल एक उन एक्टर्स में से जो लोग वाकई में रियल टैलेंट से हमारे इंडिया के। और मिर्जापुर 2 को अली फजल ने नहीं बनाया, इसको एक छोटे से स्पॉट बॉय से लेकर बड़े प्रोड्यूसर, इन सभी लोगों ने अपनी मेहनत से अपना पैसा लगा कि इस पर्टिकुलर सीरीज को बनाया। उसके अलावा मिर्जापुर 1 लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई, और उसमें जो जो चीजें बताई वो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं भोसड़ी वाले, तुम लोग के गले से ये भी चीज उतरती नहीं कि तुम्हारे स्टेट्स में या हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके की चीजें होती है जो मिर्जापुर सीरीज में हमें देखने को मिली थी। तो इस वजह से काफी जो नल्ले भड़वे लोग हैं उनको वेस्ट ऑफ टाइम लगी मिर्जापुर, और अब उनके पास कोई मौका नहीं था कि मिर्जापुर 2 को किस तरीके से बॉयकॉट करें। तो लोगों ने अली फजल के उस पुराने ट्वीट को निकाल के वायरल कर दिया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसको वो वायरल करे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एज अ एक्टर उसको ट्वीट नहीं किया था, पर्सन उसने वहां पे ट्वीट किया था। उसके लिए आप लोग उससे हेट करो चलता है, लेकिन जिस चीज में वो लोग काम कर रहे हैं, जिसका उसको पैसा मिल चुका है, और उसके अलावा वहां पे दूसरे और भी एक्टर्स है, तो उन सारे लोगों को आप एक इंसान की वजह से बॉयकॉट तो नहीं कर सकते ना। और दूसरी बात यह कि अगर आपको इस बॉयकॉट इस वर्ड को यूज ही करना है, तो भाई कोई अच्छी चीजों के लिए करो, क्योंकि ये अच्छी चीजों के लिए आया था, लेकिन आप लोग तो अब इसका मिसयूज करने लगे। और नेपोटिज्म और मूवीज के अलावा हमारे देश में कुछ खराब है ही नहीं, है ना भोसड़ी वालों। जैसे कि कोरोना वायरस के बाद तो हमारे देश में सबको बहुत सारी जॉब मिल गई, इतनी जॉब मिल गई कि मतलब जॉब ऑफिस वाले खुद बोल रहे हैं कि भाई आओ हमारे इधर काम करो, लेकिन कोई है ही नहीं, इतने हमारे इंडिया में लोग बचे ही नहीं, सब तो अपनी जगह जॉब कर रहे हैं ना। तो उसके अलावा जब से कोरोना वायरस आया है भूखमरी लोग देश से खत्म हो गई, यानी कि आराम से लोग 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, टेंशन ही नहीं खाने का। उसके अलावा हॉस्पिटल कोई पैसे ना होने की वजह से या हॉस्पिटल में उनको वक्त में एडमिट ना करने की वजह से कोई मर ही नहीं रहा है, सब लोग मतलब आराम से, मतलब हमारे देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये नेपोटिज्म और ये फिल्म, ये बॉयकॉट, ये चूतिया रंडी रोने की वजह से ही बस प्रॉब्लम है, बाकी सब हमारे देश में बहुत सही चल रहा है। उसके अलावा हमारे देश में महंगाई एकदम कम हो गई, पहले क्या था, और आज देखो स्टूडेंट्स, देखो पहले कितने बेचारे टेंशन में थे, मारा पीटी बहुत उनको दबा दिया जाता था, लेकिन आज देखो स्टूडेंट्स लोग के पास कितना राइट है, आज उन लोग को मतलब अपनी मर्जी से एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है हमारे देश में। लेकिन नहीं, हमारे देश में तो बस ये मूवीज और ये नेपोटिज्म नहीं होता ना, तो हमारा देश आज एकदम टॉप पर जाता। मुझे समझ में आते कभी कभी कि यार ये ट्विटर पे जो लोग है वो लोग क्यों है, और ये ट्विटर ही क्यों है यार, क्योंकि यहाँ पर वो नेगेटिव लोग हैं जो मतलब जिनको कुछ चीजों से लेना देना नहीं है, उनको पर्टिकुलर उस मूवी से उस एक्टर से भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पता है ना उनको जो बाप लोग उनको जो चीजें बोलते तो वो लोग करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मिर्जापुर सीरीज 2 इस बायकॉट को लेकर जो ट्रेंड चल रहा है, मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई हैशटैग हम तो देखेंगे, जिसको जो करना है कर लो, और हर रंडी रोने के लिए अगर आप बायकॉट लगा दोगे तो यार ऐसा नहीं चलता है। अगर बायकॉट लगाना तो यार बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर आप लोग बायकॉट लगा सकते हो, और मैं खुद उस चीज पर सपोर्ट करूंगा, लेकिन जो चीजों से अपने देश का कोई लेना देना ही नहीं, उससे हमारे देश को कोई नुकसान ही नहीं है उस मूवी या सीरीज से, तो उससे क्या फायदा। अगर आपको उस पर्टिकुलर एक्टर से प्रॉब्लम थी तो वो आप उसी वक्त बोलते तो वो ज्यादा वैलिड लगता है, लेकिन आज कई महीनों बाद जब देश पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है, देश के लोग ऐसे ही ज्यादा परेशान है, तो उस वक्त वो चूतियागिरी वाली चीजों को लाकर सिर्फ लोगों के बीच में और हेट फैलाना है, और कुछ भी नहीं है। आज भी अभी भी सबका अपना हक है, अगर आपको मिर्जापुर 2 देखनी तो आप लोग शौक से देख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग बायकॉट करना है तो उसका एक वैलिड रीजन लेके आओ, उसके बाद बायकॉट करो। लेकिन अगर आप किसी एक चीज के लिए पूरे लोगों को सजा देना चाहते हो तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। तो यार बस इस वीडियो में इतना है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद आप लोग मुझे बहुत सारे हेट कमेंट करने वाले, तो कर लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हैशटैग हम तो देखेंगे मिर्जापुर 2 23 अक्टूबर 2020। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो बुरा लगा तो यार कोई बात नहीं, अच्छा लगा तो लाइक करो और ज्यादा अच्छा लगा तो शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।